नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। चापा हसदेव नदी पर बने एनीकट के ऊपर से बह रहा पानी, फिर भी लोग अपनी जान की परवाह करे बगैर एनीकट के ऊपर से गुजर रहे हैं। पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल वालों की कतार लगी हुई है और इधर देखा जाए तो नदी का बढ़ता हुआ जल स्तर देख कभी भी अनहोनी होने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह अपनी जान को खतरे में डाल एनीकट से गुजर रहे हैं क्षेत्रवासी। अपनी नहीं तो कम से कम अपने मासूम बच्चों की परवाह करें, लेकिन इन्हें परवाह नहीं। बेझिझक होकर एनीकट के ऊपर से बह रहे पानी में बेखौफ चल रहे हैं चापा नगर के स्थानीय लोग। वहीं इन दिनों हसदेव नदी किनारे मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने भी अपना डेरा नदी किनारे जमा लिया है। हसदेव नदी के बढ़ते हुए जल स्तर से भारी मात्रा में मछली मिल रही है। एनीकट के निकट मछुआरे भी अपनी जान की परवाह करे बगैर तेज बहती नदी में जाकर जाल लगाकर मछली पकड़ रहे हैं और उसे नदी किनारे ही दुकान लगाकर बेच रहे हैं। वहीं जब हमारी बात नदी किनारे रहने वाले तुलसी कुमार स्थानीय निवासी से हुई तो उन्होंने हमें बताया कि एनीकट से गुजरने वाले लोगों को कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश देने के बाद भी नहीं समझते, और बताया कि हाल ही में एक सप्ताह पहले एनीकट से गुजर रहा युवक तेज पानी के बहाव से अपनी दुपहिया वाहन समेत एनीकट से नीचे गिरकर बहने लगा था। तभी उसे स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। यह एनीकट रास्ता तो बारिश में बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। देखा जा रहा है तुलसी कुमार जी कि बच्चे लोग और बड़े बड़े गाड़ी वाले लोग रफ्ते पे से गुजर रहे हैं और पानी तेज गति से आ रहा है। क्या इस व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक रूप से कोई सहायता हुई है या नहीं हुई है? वो इसको इन लोग को हम लोग मना कर रहे हैं करने के लिए, पर इन लोग तो नहीं मान रहा है। तो अब वो हम लोग कितना बोल रहे हैं तो मान ही नहीं रहे, तो हम लोग क्या करें बताइए ना आप। मेरा कहने का मतलब है, मेरे ख्याल से इसमें जाना ही नहीं चाहिए, इसको बंद करवा देना चाहिए पूरा। तेज पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, अब कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है इसमें भी। बता दें कि जल्दबाजी में लोग एनीकट चापा से जाजगीर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। वहीं दूसरा रास्ता हसदेव नदी पर बने गेमन पुल पर घूमकर जाजगीर की ओर जाता है, लेकिन उसमें दुपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर नहीं जाते और एनीकट से सीधे निकलने की कोशिश करते हैं। बता दें कि एनीकट के दोनों ओर ट्रैफिक रूल्स के तहत बैरिकेड नहीं लगाए गए हैं, इसी वजह से दुपहिया वाहन चालक और पैदल चलने वाले बेझिझक होकर शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल एनीकट से ऊपर बह रहे पानी के ऊपर से आना जाना कर रहे हैं। यदि बारिश में इस रास्ते को स्थानीय प्रशासन द्वारा बंद नहीं करवाया गया तो कई लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। For more information, log on to www.clips.in.